सोमनाथ के आसपास मस्त टूर स्थान भी हैं। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर भालका तीर्थ नामक एक स्थान स्थित है, जो श्री कृष्ण के आखिरी पलों को बिताने का साक्षी है। श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, जब जरा नामक शिकारी का तीर श्री कृष्ण के पैर पर जा लगा। कुछ ही दूरी पर बाणगंगा नामक एक स्थित जगह है। ये सोमनाथ की प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहीं से जरा शिकारी ने तीर छोड़ा, तभी यहाँ का नाम बाणगंगा पड़ गया। यहाँ पर 4 शिवलिंग भी हैं, जिनका अभिषेक स्वयं समुद्र करता है। सोमनाथ जाने वाले इस जगह को ज़रूर घूमने जाते हैं। कुछ ही दूरी पर त्रिवेणी संगम नामक एक जगह स्थित है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, हिरण्या, कपिला और सरस्वती। हिंगलाज माता और 5 पांडव मंदिरों की गुफा भी यहीं पर है। सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड भी यहाँ पर स्थित है। गोरखनाथ तीर्थ, गीता मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, वो भी यहीं पर स्थित है। आप अगर सोमनाथ के दर्शन करें तो इन जगहों पे ज़रूर घूमें। यहीं पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी स्थित है, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। जब आप गीता मंदिर जाते हैं तो आप लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी कवर कर सकते हैं। सोमनाथ बीच भी यहाँ पे है। सोमनाथ मंदिर से सट के सोमनाथ का बीच बना है, जहाँ पे आप शाम का नज़ारा ले सकते हैं और अपना आरती के बाद शाम को वहाँ पर समय व्यतीत कर सकते हैं।